प्रिय दर्शकों नमस्कार, ज्योतिषी के कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर जयेश रावत। आज आपको मैं सिखाऊंगा, आज आपको बताऊंगा, आज आपको रिसर्च करने पर मजबूर करूंगा कि अगर आपकी मकर लग्न की कुंडली है तो इसमें सूर्य की स्थिति क्या हो सकती है। मकर लग्न वाले सावधान हो जाएं, सावधानी के साथ सुने। जिनकी 10 नंबर की लग्न है, इस लग्न के अंदर सूर्य की महादशा मार्केस हो जाती है, क्योंकि लग्न का स्वामी शनि है और अष्टम भाव का स्वामी सूर्य है। दोनों एक दूसरे के शत्रु हैं। सूर्य के पास मारने की जिम्मेवारी है वो अष्टमेश है। सूर्य की महादशा में मौत का सिलसिला परिवार में चालू हो जाता है। किस किस को मारेगा, चंद्रमा की अंतर्दशा किस किस को बचाएगी और शुक्र की प्रत्यंतर दशा कहां आपको बचा पाएगी, आज ये जानकारी आपको दूंगा। सूर्य लग्न में बैठा है चंद्रमा शुक्र के साथ, आपको आयु तो लंबी देने की कोशिश करेगा क्योंकि केंद्र में अपनी दिशा के अंदर बलवान होकर के बैठा हुआ है, लग्न का कारक है। लेकिन शत्रु राशि में होने के बाद शरीर में व्याधाएं बनी रहेंगी, आयु लंबी हो जाएगी। लेकिन पत्नी स्थान को देखता है, पत्नी स्थान के स्वामी को देखता है, पत्नी को मार देगा, इसलिए दो शादी के योग बनता है। जिसकी मकर लग्न की कुंडली हो, सूर्य चंद्र शुक्र इकट्ठे लग्न में बैठे हों, उनकी दो शादियां हो जाती हैं, पहली पत्नी की मृत्यु हो जाती है। एक योग है ये। अब इसको बचाने के लिए सूर्य देव की पूजा करनी चाहिए, उसकी वैदिक पूजा करा लेनी चाहिए, बचाने वाले ग्रहों को मजबूत करना चाहिए। चंद्रमा मनसो जातः और शुक्र यहां पर पत्नी का कारक है, शुक्र को मजबूत कर दिया जाए, हीरा पहना दिया जाए, पत्नी स्थान का जो स्वामी है चंद्रमा इसको मजबूत कर दिया जाए, यानी आपको मोती पहनना चाहिए, साथ में आपको हीरा पहनना चाहिए, तो आपके वैवाहिक जीवन को बचाया जा सकता है। और सूर्य की उपासना करनी चाहिए, संडे का व्रत करना चाहिए, सूर्य के मंत्रों का वैदिक जाप करना चाहिए। और अगर ज्यादा तकलीफ होती है तो पूजा पाठ के लिए आप हमें मिल सकते हैं। ग्रह सूर्य चंद्र और शुक्र द्वितीय भाव के अंदर बैठे हुए हैं, ये मारक स्थान होता है। परिवार में किसी की मौत का सिलसिला चालू हो जाता है, अगर शनि की 7.5 भी हो और सूर्य की महादशा शुरू हो जाए तो हमारी खुद की मृत्यु की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। बचाव करना है, सूर्य की पूजा करनी है। यहां आप हीरा पहन सकते हैं, धन वृद्धि, कैरियर की वृद्धि और एजुकेशन के लिए आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि अंतर दशा चंद्रमा की है और साथ में प्रत्यंतर दशा अगर शुक्र की चल रही है तो आपकी एजुकेशन में जो बाधा चल रही थी, शुक्र अंतरदशा प्रत्यंतर दशा में आती है, आपको बेनिफिट देना शुरू करेगा। सूर्य चंद्र और शुक्र, शुक्र उच्च होकर के मेहनत के घर में बैठा हुआ है। अगर आप विदेश में जाके पढ़ाई करना चाहते हैं कर सकते हैं, विदेश में नौकरी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। आप हीरा पहनिएगा, आप एक मोती भी पहनिएगा, सूर्य के मंत्रों का जाप करना है, नहीं तो ये सूर्य आपको पॉलिटिकल योग तो बनाएगा लेकिन छोटे भाई को मृत्यु दे देगा। सूर्य चंद्र शुक्र, यहां सूर्य उच्च हुआ है सुख साधनों में, आपके हाई थॉट्स रहेंगे, आपकी आयु लंबी हो जाएगी, मान सम्मान भी बढ़ेगा इस पीरियड में। चंद्रमा शुक्र भी आपको यहां पर सपोर्ट करने की तैयारी करेंगे, लेकिन स्टोन नहीं पहन सकते, माणिक नहीं पहन सकते, क्योंकि इसकी नीच दृष्टि कर्म के ऊपर है, तो आपके काम कारोबार का नुकसान कर देगा, आपकी जॉब को खत्म कर देगा। उच्च का सूर्य होने के बावजूद भी मकर लगन के अंदर चौथे भाव में बैठा हुआ सूर्य जॉब की हानि कर देता है। आप बड़े पद पर रहने के बाद अचानक आप जॉब छोड़ देंगे, बीआरएस ले लेंगे या आप चले जाएंगे कहीं ना कहीं। सूर्य चंद्र शुक्र लव मैरिज का योग बनता है, आप लव मैरिज कर सकते हैं लेकिन टूटने का योग भी बनता है। लव मैरिज को सफल बनाने के लिए या प्यार मोहब्बत को अच्छा करने के लिए, वैवाहिक जीवन को अच्छा करने के लिए आपको एक मोती पहनना चाहिए और साथ में शुक्र को भी मौजूद करना चाहिए, हीरा पहनना चाहिए, अमेरिकन डायमंड पहनना चाहिए, ओपल पहनना चाहिए। लेकिन ध्यान रखेंगे, सूर्य संतान भाव पर बैठा है, गर्भ नष्ट होने का योग बनता है। जो स्त्री गर्भवती है उनको खास ध्यान रखना चाहिए, सूर्य की उपासना करें, नहीं तो संतान हानि कर देगा। सूर्य चंद्र शुक्र आंखों में तकलीफ देंगे, यहां पर
कैरियर का नुकसान, संतान का नुकसान, पत्नी का स्वास्थ्य खराब और आपकी आयु की हानि, सब कुछ नुकसान। इसलिए सूर्य की भी पूजा, चंद्रमा की पूजा और शुक्र की भी पूजा करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। सूर्य चंद्र शुक्र का योग यहाँ पर दो शादी के योग बना देता है। पहला डिवोर्स होगा, दूसरी शादी सक्सेस होती है। इसको बचाने के लिए आपको हीरा पहनना होगा और आपको एक मोती पहनना होगा। अष्टमेश सूर्य जो पत्नी को मृत्यु देता है, पहली पत्नी को मार देता है या पहले पति को मार देता है, उसकी अगर आप पूजा करते रहते हैं तो इस योग को रोका जा सकता है। अगर ये ग्रह यहाँ बैठे तो आपकी आयु लंबी रहेगी, लेकिन पत्नी के मृत्यु का योग फिर बनेगा, दो शादी के योग फिर भी आपके बन जाएंगे। सूर्य चंद्र शुक्र बैठे हैं तो कर्म की हानि, भाग्य की हानि, संतान की हानि रहेगी। और इसको ठीक करने के लिए आप शुक्रदेव की पूजा करें, सूर्यदेव की भी पूजा करें, इनका व्रत करें तो अच्छा रहेगा। सूर्य नीच हुआ है आयु का स्वामी, आपकी आयु को खतरा रहेगा, आपके कैरियर को भी खतरा बना रहेगा, इसलिए यहाँ पर शुक्र का नग और मोती का नग धारण करना चाहिए। सूर्य चंद्र शुक्र लाभ स्थान पर बैठे हैं, व्यापार आप कर सकते हैं। और यहाँ सूर्य का नग छोड़ करके बाकी के दोनों स्टोनों को पहना जा सकता है, विदेशों में शादी कर सकते हैं आप। यहाँ पर इन तीनों की पूजा करानी चाहिए आपको, सूर्य चंद्र शुक्र की। दर्शकों, ये था आपकी कुंडली का सच। मकर लग्न के अंदर आप अपनी कुंडली से पीड़ित हैं, आपका भाग्य साथ नहीं देता है, पढ़ाई मन नहीं लगता, विदेश जाना चाहते हैं, शादी में दिक्कत आ रही है, मंगलिक योग है, कालसर्प योग है, किसी भी तरह की वैदिक पूजाओं के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। घर बैठे ज्योतिष सीखना चाहते हैं आप, किताब मंगा सकते हैं, पत्राचार कोर्स में आप एडमिशन ले सकते हैं। और इसके अलावा दर्शकों, अगर आप घर बना रहे हैं, कोठी बना रहे हैं, बंगला बना रहे हैं, हॉस्पिटल, विद्यालय, कॉलेज, अगर कोई आप निर्माण कर रहे हैं, कोई भी निर्माण कार्य कर रहे हैं, तो उसकी कंसल्टेशन के लिए, वास्तु कंसल्टेशन के लिए, साथ में आर्किटेक्ट कंसल्टेशन के लिए भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं। अभी समय आपसे याद लेने का, अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। प्रिय दर्शकों, अगर आप डॉक्टर H.S. रावत जी द्वारा लिखित 10 पुस्तकें मंगवाना चाहते हैं तो 10 किताबों का मूल्य 2100 रुपये और फलित ज्योतिष की 22 सीडीज का मूल्य 3100 रुपये VPP, DD, मनी ऑर्डर या हमारे SBI बैंक अकाउंट नंबर 3034024646466 में जमा करा के मंगवा सकते हैं। दर्शकों, अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, 3100 रुपये, घर का नक्शा व वास्तु विजिट या पूजा पाठ करवाना चाहते हैं तो आप हमें निम्न पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा दिल्ली का पता है, महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, C9 महिंद्रा पार्क, पंखा रोड, नई दिल्ली 59। फ़ोन नंबर 2563-8157, मोबाइल नंबर 9212296090, वेबसाइट www.drhsrawat.com। हमारा मुंबई का पता है, महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, फ्लैट नंबर 201, आनंद विहार बिल्डिंग, बजाज रोड, विले पार्ले वेस्ट, मुंबई 56। फ़ोन नंबर 02226707930, मोबाइल नंबर 9820114249।